नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। पत्रकारों ने सरीला एसटीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर और दिल्ली में पत्रकारों पर अभद्रता को लेकर पत्रकारों में भारी रोष। दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें जेल में बंद कर देने से नाराज हमीरपुर के स्थानीय पत्रकारों ने आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने देश में पत्रकारों का उत्पीड़न बंद कराए जाने की मांग की और जिसको लेकर पत्रकारों में भारी रोष है। पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में खबर को कवरेज कर रहे पत्रकार मनदीप पुनिया के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार कर उन्हें गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या है। इसे पत्रकार समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कानपुर पुलिस द्वारा पत्रकारों को फर्जी मुकदमे को लेकर आज पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष ने सरीला एसडीएम जुबीर बेग को ज्ञापन देते हुए कहा कि चौथे स्तंभ के साथ अमानवीय व्यवहार से देश में पत्रकारों का उत्पीड़न बंद कराए जाने के साथ उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देते हुए पत्रकारों ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में खबर को कवरेज करने जा रहे पत्रकार मनदीप पुनिया व कानपुर के पत्रकार मोहित कश्यप, यासीन अली, अमित सिंह पर पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार कर उन्हें फर्जी मुकदमे पर उन्हें गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या है और कहा कि देश में हर जगह पत्रकारों का उत्पीड़न कर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पत्रकार समाज की बुराइयों को उजागर कर गरीब पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा उनके उत्पीड़न को रोक उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मौके पर पंकज शर्मा, रोहित सिंह राजावत, के द्विवेदी, विवेक यादव, रिंकू हर नारायण, समर सिंह आदि पत्रकार मौजूद रहे। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया? ये जो पत्रकारों के साथ है, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है और ये दिल्ली पुलिस ने पत्रकार के साथ उत्पीड़न किया और कानपुर में पत्रकार के साथ मुकदमा लिखा गया है। इसके संबंध में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से यहाँ सरीला तहसील में दिया गया है और इसकी पत्रकार समाज कल्याण समिति घोर निंदा करती है और इसको जो मुकदमा लिखा गया है इसके संबंध में ये मुकदमा वापस किया जाए, इसकी ये मांग करती है।